हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग शेयर करूँ हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही एलिगेंट लगता है। कम समय में आप इसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसमें आपको कुछ जुड़ा हेयर स्टाइल, कुछ ओपन हेयर स्टाइल मिल जाएंगे। फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए फ्रेंड्स, आपको बालों को अच्छे से कॉम करके फिर आप नीचे साइड में आपको एक रबर बैंड लगा लेना है, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही बेसिक सा लो बन, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। फ्रेंड इस तरीके से आपको हाथों से राउंड करके और बीच में से आप निकाल दीजिए, बस ये देखिए आपका जुड़ा रेडी हो गया। और यहाँ पर मैंने रबर बैंड इसलिए यूज किया कि आप बिना रबर बैंड के भी बना सकते हैं, लेकिन आप रबर बैंड लगाकर और फिर आप जुड़ा बनाएंगे तो ये आपका आगे से लूज नहीं होगा, आगे से एकदम फिट रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप जुड़ा बना के रेडी कर लीजिए, फिर आप उसे जुड़ा पिन से टक कर दीजिए तो आपका एकदम सिक्योर हो गया, अब वो खुलेगा नहीं। अब उसके बाद मैं आगे यहाँ पे टीका लगा देती हूँ, तो ये देखिए कंप्लीट लुक लग रहा है और ये वाला लो बन बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जो जूड़ा बनाए आप चाहे तो उसमें गजरा भी लगा सकते हैं, वो भी बड़ा ही अच्छा लुक आता है, एकदम ट्रेडिशनल सा। स्टाइल के लिए फ्रेंड्स, पहले बालों को अच्छे से ओपन कर लीजिए और ये देखिए फिर आपको फ्रंट से ना थोड़े से स्टाइल बनाने बालों के, तो यहाँ पे आप बालों को थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, फिर जैसे आपने पहले जो बाल उठाया उसे नीचे करिए, फिर इधर के उठा के आप उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरीके से आपको करना है और कान तक आप इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉबी पिन से टक कर देना है, तो आप दो बॉबी पिन लगाइएगा अच्छे से क्रॉस करके, तो ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाता है और वहाँ से बाल आपके निकलते नहीं है। तो इस तरीके से आप बॉबी पिन से टक कर लीजिए। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी अपने बालों के लिए करना है, यहाँ पे बॉबी पिन से टक कर लीजिए, तो बस आपका सेकंड हेयर स्टाइल भी रेडी हो गया। और आप चाहें तो इस तरीके से इसे ओपन भी रख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने हेयर को पीछे ओपन रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। साड़ी पे ओपन हेयर स्टाइल भी बहुत ही सुंदर लगता है। और आप चाहें तो पीछे ना गजरा ऐड कर सकते हैं, उससे भी लुक एकदम अलग सा बहुत ही सुंदर सा आता है। हेयर स्टाइल के लिए फ्रेंड्स, आगे का आपको इसी तरीके से रखना है और बैक में जो बाल ओपन थे उसको आप एक रबर बैंड से टक कर लीजिए और टक करके उसके बाद आपको लूज कर लेना है। देखिए इस तरीके से वीडियो में आपको लूज कर लेना है, उसके बाद थोड़ा दूर और छोड़ के एक और रबर बैंड आपको लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको लगा लेना है दो रबड़ बैंड, एक पहला आपने टक किया फिर लूज करके, फिर थोड़ी दूर छोड़ के एक रबड़ बैंड और लगाया। उसके बाद हम बचे हुए बालों को पीछे की साइड से रोल करते हुए इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और दोनों साइड के अगल बगल के बाल को ऊपर करके जोड़ देंगे, फिर जूड़ा पिन से वहाँ पर टक कर लेंगे, तो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा ये जूड़ा लगता है। वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है इस जूड़े का और बहुत ही परफेक्ट जूड़ा लगता है। एक बार आप इसे बनाइएगा और बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, फटाफट बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप जूड़ा पिन से टक कर लिए, तो चाहे तो यहाँ पे एक फ्लावर वाला जूड़ा पिन है उसे भी मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। आप इसकी जगह पे जो भी आपके पास अच्छा सा फ्लावर हो आप लगा सकते हैं, ओरिजिनल आप गुलाब का फूल भी लगा सकते हैं तो भी बड़ा अच्छा लगेगा, और नहीं तो आप गजरा भी ऐड कर सकते हैं। गजरा तो भाई हर समय अच्छा ही लगता है, तो गजरा भी आप इस तरीके का ऐड कर सकते हैं। हम फोर्थ हेयर स्टाइल बना लेते हैं, वो भी बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ईजी है। अगर आपको जूड़ा नहीं बनाना है तो आप बस एक सिंपल सी लूज चोटी कर लीजिए, बैंड लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे आप ना जहाँ पे चोटी शुरू होती है वहाँ पे आप गजरा फंसा लीजिए, फिर चोटी में लपेट लीजिए। बस सिंपल सी हेयर स्टाइल है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी पे ये हेयर स्टाइल। तो बस आपका ये हेयर स्टाइल भी रेडी हो गया। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, जो भी हम नेकलेस और चोकर पहनते हैं तो वो बार बार लूज होता है, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो डोरी में पीछे एक मोती होती है जिससे हम नेकलेस को टाइट करते हैं, वो टाइट करके आप उसके बाद डोरी में एक पीछे गांठ लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि वो मोती वहीं पर फिक्स हो जाएगा, तो आपका नेकलेस बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। और वो करना है पहले बालों को अच्छे से कॉम करके, आप देखिए आगे से छोटा सा सेक्शन आपको लेना है और बिल्कुल प्लेन करते हुए साइड में आपको यहाँ पे बॉबी पिन से टक कर लेना अंदर साइड में, और ऊपर के बाल थोड़े से आपको निकाल के अंदर से टक कर लेना, फिर ऊपर के बाद इसे कवर कर लेना। तो ये देखिए इस तरीके का आपको करना है और ऐसे ही आपको इस साइड भी कर लेना है। ये हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा इसे कहता है, और बालों को आप चाहें तो ओपन करके छोड़ सकते हैं, पीछे के बालों से इसे कवर कर लेना। बस आपका फिफ्थ हेयर स्टाइल भी रेडी हो गया। जो ये आपने टीका लगाया इसकी जो चेन है, अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बालों का इधर से छोटा सेक्शन उठाइए और इस साइड आप उसे बॉबी पिन से टक कर लीजिए, मतलब क्रॉस करते हुए इधर से आपने बालों को थोड़ा सा उठाया और थोड़ा सा इस साइड से राइट और लेफ्ट से हम दोनों साइड से बालों को उठाकर क्रॉस करते हुए बॉबी पिन से टक कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका टीका का जो चेन है वो भी चुप जाएगा और टीका भी बहुत ही अच्छे से एकदम टाइट रहेगा, बिल्कुल भी आप नाचिए गाइए बिल्कुल भी आपका टीका भी लूज नहीं होगा। इस तरीके से ये भी फिक्स हो गया है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने ना टीका को फिक्स माथे पे फिक्स करने के लिए डबल साइडेड जो टेप आता है आप उसे टीका पे लगा दीजिए और उसके बाद आप अपने माथे पे चिपका लीजिए, तो टीका भी आपका उसी जगह पे ही रहता है, इधर उधर हिलता भी नहीं है। और आप चाहें तो बालों को ओपन कर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पीछे बालों में एक रबड़ बैंड लगा लीजिए। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे भी आपको लूज ही लगाना है और इसे आपको रबड़ बैंड लगाकर फिर बालों को आप थोड़ा सा लूज करके इसे पलट दीजिए। इससे आपने जो रबड़ बैंड लगाया वो छुप भी जाएगा और जब पलटने पे एक अच्छा सा लुक आता है। यहाँ पे मेरे बाल बहुत काले लग रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा है। सिंपल सा लेकिन बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल लगता है ये। इसमें आपको बालों को अच्छे से कॉम करके और सारे बालों का आपको एक हाई पोनी बना लेना, इस तरीके से अच्छे से एक रबड़ बैंड से आप टक कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डोनट का यूज करेंगे, डोनट की हेल्प से हम जूड़ा बनाएंगे। इससे बहुत ही प्रॉपर जूड़ा बनता है और बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो मैं यहाँ पे एक डोनट लूँगी और उसे हम पोनी में पहले फंसा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का मैंने डोनट ले लिया और इसे हम ना पोनी में पहले फंसा लेंगे, उसके बाद हम सारे बालों को इस तरीके से पलट कर और इस तरीके से बालों को फैला लेंगे। तो जो हमने
मोनेट लगाया ना, उससे हम बालों को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एक रबड़ बैंड से इस तरीके से इसको फंसा लेंगे, तो मेरा डोनट तो बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये बचे हुए बालों को आप साइड साइड कर लीजिए, और साइड में करके इन बालों को आप दो सेक्शन में बांट कर, और थोड़े थोड़े बालों को आप इस तरीके से रोल करते हुए और इसी डोनट के किनारे, जूड़े के किनारे आपको लपेट देना है। अभी आप वीडियो आपको फिर जूड़ा पिन से टक कर लेना है, और बचे हुए बालों को ना बस इसी में लपेट दीजिए। बस आपका ये सिंपल हेयर स्टाइल रेडी हो गया, और इसमें आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद से भी बहुत ही प्रॉपर सा बहुत ही अच्छा सा जूड़ा बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि इसे बनाना भी बहुत ईजी है, और ये कितना सुंदर लगता है पीछे से आप देखेंगे ना, इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और इस हेयर स्टाइल पर जब आप अपना पल्लू लेते हैं ना, तो भी बड़ा अच्छा सा लुक आता है। अभी मैं आपको पल्लू भी लेके दिखाऊंगी, और उसके बाद आप चाहें तो इसमें गजरा लगा लेंगे। जब आप गजरा लगा लेंगे तो फिर हेयर स्टाइल में चार चांद लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।